आज आप इस वीडियो में दुनिया की 10 ऐसे देशों के बारे में जानेंगे जो पूरी दुनिया की तकरीबन 40 से 50% आबादी लेकर बैठी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के 10 सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश के बारे में। तो शुरू हो जाइए कुछ ऐसा नयापन जानने के लिए जो सच में अनबिलीवेबल और अमेजिंग है। तो शुरू करने से पहले बता दूँ, ये रिपोर्ट 1 जुलाई 2019 की विकिपीडिया के द्वारा दी गई है, जो बिल्कुल 100% सही है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ साहिल साइंस फैक्ट और आपका स्वागत है साहिल साइंस फैक्ट की दुनिया में। हमारी 10 पोजीशन पर आती है मैक्सिको। पूरी दुनिया में मैक्सिको की जनसंख्या का योगदान 1.7% है। तो 1 जुलाई 2019 के अनुसार मैक्सिको की जनसंख्या 12,75,75,529 है, जिसमें 1.10% की बढ़ोतरी हुई है, जो बेशक ज़्यादा हुई है। हमारे 9 पोजीशन पर आती है रसिया। रसिया पूरी दुनिया की 1.9% जनसंख्या कवर करती है, जिसमें 1 जुलाई 2019 के अनुसार 14,58,72,256 लोग शामिल हुए हैं, और जिसमें 0.09% की बढ़ोतरी हुई है। हमारे 8 पोजीशन पर आता है बांग्लादेश। 800 करोड़ की जनसंख्या में बांग्लादेश 2.2% का योगदान देते हुए 1 जुलाई 2019 की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की जनसंख्या 16,30,46,161 है, जिसमें 1.03% की बढ़ोतरी हुई, जो बहुत ही ज़्यादा है। एक छोटे से देश के मुकाबले इन्होंने बहुत ज़्यादा जनसंख्या कवर कर ली है। हमारे 7 पोजीशन पर आती है नाइजीरिया। पूरी विश्व की जनसंख्या में 2.6% का हिस्सा लेते हुए नाइजीरिया 1 जुलाई 2019 को 20,96,03,599 है, जिसमें 2.60% की बढ़ोतरी हुई, जो हमारे लिस्ट में सबसे ज़्यादा है। जी हाँ, नाइजीरिया इस हमारे लिस्ट में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी करने वाला देश है। हमारे 6 पोजीशन पर आता है ब्राज़ील। 2.6% का योगदान देते हुए पूरी दुनिया में ब्राज़ील 1 जुलाई 2019 को 21,10,49,527 लोग शामिल हुए हैं, इस लिस्ट में छठा स्थान बनाते हुए, जिसमें 0.75% की बढ़ोतरी हुई है। हमारे 5 पोजीशन पर आती है पाकिस्तान। पूरी दुनिया में 2.8% का हिस्सा लेते हुए पाकिस्तान 1 जुलाई 2019 को 21,65,65,318 लोगों के साथ 5वें स्थान पर अपना स्थान कवर करती है, जिसमें 2.04% की बढ़ोतरी हुई है, जो बहुत ही ज़्यादा है। इसी तरह अगर पाकिस्तान चलता रहा तो उसकी जनसंख्या आने वाले समय में 30 करोड़ से पार भी जल्द से जल्द हो सकती है। हमारे 4 पोजीशन पर आती है इंडोनेशिया। 3.5% की हिस्सेदारी देते हुए इंडोनेशिया 1 जुलाई 2019 को 27,62,05,568 लोगों के साथ इस लिस्ट में 4थे स्थान पर शामिल हुई है, जिसमें 1.10% की बढ़ोतरी हुई है। हमारे 3rd पोजीशन पर आती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पूरी दुनिया की आबादी का 4.3% का हिस्सेदारी लेकर 1 जुलाई 2019 को अमेरिका का जनसंख्या 32,90,64,917 है, जिसमें 0.6% की बढ़ोतरी हुई है, जो एक हिसाब से ठीक है। इसी हिसाब से अगर अमेरिका चलता रहा तो उनकी जनसंख्या थम ही रहेगी, जो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे 2nd पोजीशन पर आती है इंडिया। जी हाँ, हम अपने देश के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। 800 करोड़ की इस पूरी दुनिया की आबादी में 18% का योगदान देते हुए, जी हाँ 18% का योगदान देते हुए हमारा देश इंडिया 1 जुलाई 2019 को 1,36,64,67,754 मतलब 136 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें 1.02% की बढ़ोतरी हुई। अगर इसी तरह रहा तो इंडिया पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 पर आ जाएगा। अब 1 पोजीशन पर तो आप जानते हैं कौन होगा। जी हाँ, 1st पोजीशन पर है चाइना। 18.5% की एवरेज देते हुए चाइना 1 जुलाई 2019 को 1,43,37,83,686 है, तो 143 करोड़, जिसमें 0.43% की बढ़ोतरी है। तो देखिए, हमारे देश में 1.02% की बढ़ोतरी हुई है, इनके देश में 0.43% की बढ़ोतरी है। अगर इसी तरह आगे चलता रहा तो आप समझ गए होंगे कि आने वाले 4-5 सालों में दुनिया के सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बनेगा हमारा भारत। और हाँ, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। ऐसे ही जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें लेटेस्ट जानकारी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी स्टेगन।